ये बताएं आप कितने साल से यहाँ पर मौजूद हैं? मुझे यहाँ पे गार्डन जू के अंदर 47 इयर्स हो चुके हैं, 47 साल। ये ऐसे हुआ कि एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया आपको जी। एक्सपेरिमेंट किस उम्र में हुआ था आपका? यह छोटी उम्र में किया गया था। छोटी उम्र में मुमताज बेगम पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसके बाद से ऐसी बन गया। चाहिए पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट किया गया था या किसी बाहर वाले? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अब से 2 महीने पहले मैंने एक समर फेस्टिवल में जाके वीडियो बनाई थी मुमताज़ बेगम पर, जो कि इस वक्त टिकटॉक पे मुसलसल वायरल चल रही है और तकरीबन 2 महीने हो गए वो ट्रेंड ख़त्म ही नहीं होके दे रहा है, मुसलसल चल रहा है। तो अब दोस्तों काफ़ी कमेंट आया कि सर आप एक वीडियो दोबारा बनाएं लेकिन कराची जू में जाके, क्योंकि असली मुमताज़ बेगम जो है वो यहाँ पर हैं। वहाँ मैंने सुना था कि वो ओरिजिनल नहीं है, अब यहाँ कौन सी मुमताज़ बेगम है, कैसी दिखती है, वो भी आपको दिखाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से जानवर हैं, मुमताज़ बेगम तो खैर जानवर नहीं है लेकिन इनके अलावा यहाँ पर वो तो इंसान है, कौन कौन से जानवर यहाँ पर मौजूद है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं मुमताज़ बेगम पर, क्योंकि वो ट्रेंड ख़त्म नहीं होके दे रहा पिछले 2 महीने से और मुसलसल आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं पहले मुमताज़ बेगम के पास। ये है मुमताज़ बेगम का घर और टिकट देख लें आप, बड़ों के लिए 40 रुपये और छोटों के लिए 20 रुपये, मतलब 3 साल तक के जो बच्चे हैं। अब चलते हैं मुमताज़ बेगम के पास और उनसे बातचीत करते हैं। सो गाइस, वंस अगेन वन एंड ओनली मुमताज बेगम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, काफी सारे दोस्त कह रहे थे कि वो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मुमताज बेगम ओरिजिनल नहीं थी, तो ये ओरिजिनल मुमताज बेगम है, कराची जू के अंदर मौजूद है। अच्छा, आप ये बताएं आप कितने साल से यहाँ पर मौजूद हैं? मुझे यहाँ पे गार्डन जू के अंदर 47 इयर्स हो चुके हैं, 47 साल। 47 साल का अरसा हो गया आपको यहाँ पर, 47 साल से आप यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपकी छुट्टी वगैरह, छुट्टी भी होती है ना काम से? तो छुट्टी वगैरह होती नहीं होती? असल में मैं काम नहीं करती, मैं हूँ ऐसी तो छुट्टी नहीं होती। छुट्टी नहीं होती, मैं यहाँ पे ही रहती हूँ, यहीं पे होती हूँ रात दिन सुबह शाम, हर रोज यहीं पे होती हूँ। काफी मीडिया वाले छिड़ा के मेरा इंटरव्यू लेके दुनिया को दिखा रहे और बता रहे की मुमताज़ बेगम और ये गार्डन जू में यहीं पे होती है। बिल्कुल ऐसा ही, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है मुमताज़ बेगम पर, तो काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किया कि नॉन पीटीए मुमताज़ बेगम, मतलब वो ओरिजिनल नहीं है। मुझे ये बताया गया था, मैं बचपन में इनको देखा है, 47 साल हो गए, मैंने भी बचपन में इनको देखा है और वहाँ जो मैंने वीडियो बनाई थी वो ओरिजिनल थी। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि भाई ओरिजिनल ही है, ओरिजिनल का जाके ब्लॉग बनाओ। तो अब मैं कराची जू में मौजूद हूँ और ओरिजिनल मुमताज़ बेगम ये है। इसके अलावा जो भी मुमताज़ बेगम इस वक्त चल रही है सोशल मीडिया पर वो सारी फेक हैं। अच्छा मुमताज़ बेगम, आप खाते क्या क्या हैं? चटपटा नहीं खाती, सादा सादा हर चीज़ खाती हूँ, फ्रूट दूध चाय जूस दही अंडा गोश्त सब्जी वगैरह सब खाती हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा, आपके नहाने धोने खाने पीने का इंतजाम सारा कौन करता है? मेरी गवर्नमेंट ने नौकरानी रखी हुई मेरे लिए, वो आके मुझे खिलाती पिलाती नहलाती धुलाती और तैयार करती है, मेरे सारे काम मेरी आर्ट्स करती है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। अच्छा, काफ़ी दोस्त कहते हैं कि वो दुम हिलाकर दिखाओ, तो ज़रा दुम हिला के दिखाएं। देखें ये मेरी दुम है, ये दुम हिला के दिखाई मुमताज़ बेगम ने, ये पाँव हिला के दिखाया मुमताज़ बेगम ने, ये मेरा हाथ है, ये हाथ है और ये मेरा पूरा जिस्म है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, शेक हैंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताऊँ, वहाँ जो मैंने मुमताज़ बेगम की वीडियो बनाई थी उनसे मैंने कहा कि दुम हिला कर दिखाओ, तो उन्होंने सिर्फ दुम हिला के दिखाई, हाथ हिला के नहीं दिखाया, पाँव हिला के नहीं दिखाया, जिस्म हिला कर नहीं दिखाया। लेकिन ये प्रोफेशनल जिसको कहते हैं ना, प्रोफेशनल फिर ये है, तो यही है मुमताज़ बेगम ओरिजिनल और इन्हीं को सपोर्ट करना है। आपने ये आपके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ और कब हुआ? ये ऐसे हुआ कि एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया था, ये एक्सपेरिमेंट किया गया आपको जी। एक्सपेरिमेंट किस उम्र में हुआ था आपका? ये छोटी उम्र में किया गया था। छोटी उम्र में मुमताज़ बेगम पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसके बाद से ऐसी बन गया। चाहिए पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट किया गया था या किसी बाहर वाले? नहीं, अफ्रीका में किया गया था। अफ्रीका में एक्सपेरिमेंट होता है? अच्छा, आपका ताल्लुक कहाँ से? वैसे प्रदेश में भी अफ्रीका की है। साउथ अफ्रीका या नॉर्थ अफ्रीका में? और यहाँ पे मुझे गार्डन जू वाले अफ्रीका से भेजे आए। अफ्रीका से आपको यहाँ पर लेके आए गार्डन जू के अंदर और आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था वहाँ पर? जी। ठीक है भाई, ये मुमताज़ बेगम कह रहे हैं कि बचपन में 8 या 9 साल बात हुई है मेरी, पहले भी 8-9 साल की उम्र बताइए कि 8-9 साल की जब मैं थी तब मुझ पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब बताया उन्होंने कहाँ पर? साउथ अफ्रीका। तो ये वहाँ से यहाँ पर आई हैं और यहाँ पर अब इनकी रिहाइश है, 47 साल से ये यहीं पर मौजूद हैं और यहीं पर रह रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ओरिजिनल मुमताज़ बेगम जो हैं वो मर चुकी हैं, उनका इंतकाल हो गया है, वो मुमताज़ बेगम है ही नहीं, लेकिन ओरिजिनल यही है, इनके अलावा कोई और मुमताज़ बेगम नहीं है, ओरिजिनल 47 साल से यही है। अच्छा, दूसरी बात, अब मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ, 9.99% जानते हैं लोग कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, वल्लाह आलम सबको पता है,
लेकिन किसी की रोजी रोटी के साथ खेलना गलत बात है। आप उनके साथ नहीं खेलें, बल्कि मैं कहूँगा इनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये इनकी रोजी रोटी है, इनका घर का चूल्हा इसी से चलता है। तो मेरी गुजारिश है तमाम दोस्तों से कि इनको सपोर्ट कीजिएगा और मुमताज़ बेगम लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलेंगी। मुमताज़ बेगम जी, ज़रा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बोलिएगा। जी जी, मैं तमाम देखने वाले सुनने वालों को कहती हूँ कि लाइक करें और सपोर्ट भी करें और शेयर भी करें, ताकि आगे बेहतरी हो सके। अच्छा, वो सब्सक्राइब तो बोले, और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो भी करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, किसको? परवेज। क्या दोबारा बोली? परवेज। परवेज जी। नाम क्या बता रहे हैं? प्रोफेसर इसरार खान। प्रोफेसर इसरार भाई को आप लोग लाइक करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। परवेज भाई को, परवेज नहीं है यार, फिर भूल गए। प्रोफेसर, प्रोफेसर, हाँ प्रोफेसर को, प्रोफेसर को। मुमताज बेगम, बार बार हमारा नाम भूल नहीं लेना मुश्किल है, लेकिन इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप खैर, मुमताज़ बेगम तो हो गई, यहाँ पे और भी काफ़ी सारे जानवर मौजूद हैं। मुमताज़ बेगम जानवर नहीं है, ये तो इंसान है। इनके अलावा यहाँ पे बहुत सारे जानवर मौजूद हैं। आप चलते हैं उनकी तरफ और भी बहुत सारी आपको चीज़ें दिखाते हैं, चलिए। तो ये थी ओरिजिनल मुमताज़ बेगम। आप कोई ना बोले कि नॉन पीटीए या पीटीए अप्रूव नहीं है या बाहर से कहीं से आ गए इंपोर्ट कर लिए, ओरिजिनल मुमताज़ बेगम यही हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, देखें सबको पता है कि 99% जितने भी लोग हैं सबको मालूम है कि जो कहानी बताई गई है वो सच नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि एक्सपेरिमेंट किया गया और इंसान को इस तरह का बन गया, सबको मालूम है। लेकिन एक की रोज़ी रोटी लगी हुई है, तो इस नाते आप लोग आगे सपोर्ट किया करें। अब चलते हैं दूसरी जगहों पर और देखते हैं यहाँ क्या क्या मौजूद है। कराची ज़ू भी हमारा बहुत बड़ा है, यहाँ पे और भी काफ़ी सारे जानवर मौजूद हैं। मुमताज़ बेगम जानवर नहीं है, समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें और भी दिखाते हैं। ये चल रही है रेलगाड़ी बच्चों की, तो रेलगाड़ी में भी आप लोग घूम सकते हैं यहाँ पर आकर। अच्छा, ये तो रेलगाड़ी हो गई। अब चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं जानवर कौन कौन से हैं। यहाँ से मेन गेट है और टिकट मैं आपको बता दूं कि टिकट है 50 रुपये, एंट्री टिकट 50 रुपये है, छोटे बच्चों का कम है। प्ले एरिया, ये है बच्चों का प्ले एरिया, यहाँ पे सारे बच्चे आके खेल सकते हैं, ये पूरा खेलने वाला है। अब चलते हैं, देखते हैं जानवर कौन कौन से। बंदर नज़र आ रहा है मुझे सामने बंदर नज़र आ रहा है मुझे, बंदर के पास चलते हैं, थोड़ी तफरी करेंगे इससे। ये रहा बंदर, ये कौन सा मंकी है। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी सारे जानवर मौजूद हैं और भी बहुत सारे मौजूद हैं। ये पाकिस्तानी बंदर, नाम देखो क्या रखा है, पाकिस्तानी बंदर। पाकिस्तानी भी बंदर होता है हमारे पास, ये देखो पाकिस्तानी बंदर, नाम देखिए क्या रखा है, पाकिस्तानी बंदर। हेलो, सुस्त है क्या? हेलो भाई साहब, हेलो हेलो पाकिस्तानी, हेलो भाई साहब, ये सुन ही नहीं रहा यार, बहुत सुस्त है। ओए, ये भी नहीं सुन रहा भाई, ये भी नहीं सुन रहा, ये सुन ही रही है। आवाज़ किस चीज़ की आ रही है यार, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, पहले देखते हैं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। बंदरों से बाद में निपटते हैं, लेकिन पहले देखते हैं आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये यहाँ से आवाज़ आ रही है, और ये है क्या चीज़, बब्बर शेर। ओह, ये आवाज़ बब्बर शेर की थी। ओ माय गॉड, बब्बर शेर, हेलो बब्बर शेर। अच्छा, ये शेर है, शेरनी है, पता नहीं है, करीब से जाके देखते हैं। ये एक शेर है, एक शेरनी है। हेलो, वो क्या कहते हो, शेर आया, शेर आया, कौन सा शेर आया, नारा लगा देना ज़रा इसके अंदर। बब्बर शेर, ये कुछ बोल ही नहीं रहा यार, खामोश हो गया। अब हम आए तो लेट क्यों गए भाई, उठ जाओ, आ जा आ जा आ जा। अच्छा, शेरनी आवाज़ हो रही है, और ये शेर, मैं बोलूँ ये इतनी ख़तरनाक आवाज़ किसकी आ रही है, तो ये शेर की आवाज़ थी। वापस चलते हैं बंदर की तरफ। हेलो बंदर, क्या कर रहे हो, हेलो हेलो, ये कुछ खा रहा है, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है ये पता नहीं है, बस अपनी जिल्द खा रहा है। भाई खान भाई कह रहा है हमको पता नहीं है क्या खा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो खा रहा है। नस्वार तो नहीं लगा रहा, पता नहीं है, वो भाई नस्वार तो नहीं लगा ली तूने। हेलो, वैसे बंदर को बुलाते कैसे हैं यार, पता नहीं मुझे, मैं कोई नेशनल जियोग्राफिक से थोड़ी जो मुझे मालूम होगा। सफ़ेद फैलो हिरन, यहाँ पर हिरन भी मौजूद है, और वो भी सफ़ेद फैलो। अब सफ़ेद फैलो हिरन कौन सी होती है, ये बहुत दूर दूर है यार, यहाँ करीब में तो कोई है ही नहीं। ये खड़ी है सामने,
ये सामने दो हिरन खड़ी हुई हैं, सफ़ेद किस्म का डब्बा है इनके, सफ़ेद सफ़ेद डॉट पड़े हैं जिसम के ऊपर, सफ़ेद फैलो हिरन कहते हैं आप, मुझे पता नहीं है यार। ये खड़ी हुई देखो, ये है हिरन। आओ, अरे एक ये भी, एक ये भी, ये तो करीब ही है बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर हिरन भी मौजूद है, और कौन से जानवर है वो भी देखते हैं यहाँ पर। चलो, बहुत सारे लोग एड्रेस पूछेंगे, एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ लिंक, आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे लोकेशन आप लोगों को आराम से मिल जाएगी कहाँ पर मौजूद है। ये पूरा गार्डन है बच्चों के खेलने वगैरह के लिए, यहाँ पर हिरन हो गई है। अब इधर देखते हैं इधर क्या है, इधर कौन सा जानवर है, इधर क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। क्या नीलगाय, नीलगाय है कहाँ, नहीं तो नीलगाय किधर है, ये तो हिरन है, आई थिंक नीलगाय वो खड़ी थी, वो सामने नील गाय। लेकिन नील गाय के साथ हिरन क्या कर रही है ये कुछ समझ में नहीं आया, है नहीं हमारा मसला थोड़ी है। बरादरी इधर है, मुमताज़ बेगम इधर हैं, मगरमच्छ लकलक, मगरमच्छ लकलक, मुग़ल गार्डन। अच्छा मुग़ल गार्डन भी यहाँ पर मौजूद है, और ये मगरमच्छ लकलक ये किधर है वो देखते हैं साइड पर। चलिए अभी जा रहे हैं मगरमच्छ के पास, लेकिन मगरमच्छ के पास बाद में जाएंगे, पहले देखेंगे स्नैक। ये है स्नैक होम, यहाँ पर सांप कछुआ वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। अच्छा मगरमच्छ भी यहाँ पर है, यहाँ नहीं होगा खैर मगरमच्छ, अब देखते हैं अंदर चल के यहाँ कौन कौन से स्नैक मौजूद हैं। सांपों से मुझे बड़ा डर लगता है, खैर सबको ही लगता है, मुझे क्या, सभी को लगता है डर। तो सांप देखते हैं यहाँ कौन कौन से हैं। ये कौन सा है भाई, ये आई थिंक है कोबरा, यहाँ लिखा हुआ होगा ना, ये तो इंडियन है यार, ये इंडियन सांप है, जिंदा मर गया हिल तो रहा होगा ये। अच्छा एक सांप ये हो गया, दूसरा ये रहा। हेलो, ये हिल क्यों नहीं रहा, हेलो नहीं हिल रहा। अच्छा एक सांप ये रहा, ये कौन सा है, ओ एशियन कोबरा, ये होता है भाई एशियन कोबरा, लेकिन ये छोटा है। यार ये तो पीपड़ी बजाने पर भी नहीं उठ रहे सुस्त हो गए। और सांप नहीं है तो कछुए हैं, केचुआ, केचुआ, हेलो टेटर, यार केचुए भी हैं, ये केचुआ है, सांप नहीं है, सांप तो उधर है। अच्छा ये रहा है सांप, ओ हो इसको देखो, ये फुन्नारा है, ये डंग तो नहीं मारेगा, बड़ा फिन्नारा है, ऐसे करके खड़ा हुआ। हेलो, नहीं भाई ये नहीं हिल रहा, ओ माय गॉड, ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे खड़ा हुआ है यूं करके। चलिए इसे ज़रा पंगे लेते हैं, आ ये मरा, मार मार, अब नहीं मार रहा, एक ही बार मारा, दांत टूट गए होंगे, शीशा लगा हुआ है ना इसलिए दोबारा ट्राई करते हैं। भाई ये मार क्यों नहीं रहा यार, मार ना, नहीं भाई नहीं मार रहा, थक गया मैं भाई, ये गिरा, ये मेरा भाई उड़ गया, बुरी तरीके से फिर मार रहा है, दोबारा ट्राई करते हैं शायद मार दे, मार ले भाई, मार 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 ना मार, सांप के बच्चे दस दस डर रहा है, नहीं डस रहा। खैर और सांप हैं यहाँ पर, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। अब चलते हैं मगरमच्छ की तरफ, मगरमच्छ को देखेंगे कि वो कैसा है। गेट यहाँ से इधर से ही आओगे, चलिए। भाई कह रहे हैं कि मगरमच्छ यहाँ पर है, लेकिन यहाँ मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, ये आबशार लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कि आबशार लिखा हुआ है, भाई कह रहे हैं मगरमच्छ है, मगरमच्छ कहाँ है मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। पीछे की तरफ चलते हैं, वहाँ देखते हैं, वहाँ तो नहीं है। और रात बहुत होती जा रही है, अंधेरा होता जा रहा है, तो जल्दी जल्दी बनानी पड़ेगी, हो सकता है कुछ जानवर आप लोगों को दिखा ना सकूँ मैं। यहाँ लिखा हुआ है मगरमच्छ, ये मगरमच्छ के खाने के औकात सुबह 11 बजे से 12 बजे के दरमियान। अब मगरमच्छ है किधर ये नज़र नहीं आ रहा, किधर है पड़ा हुआ है बेचारे का मुँह, कहाँ मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, किधर है,
ये नदी के उस पार दौड़ा, देखो नदी के उस पार, ओ नजर आ गया, आ गया आ गया, वो मूव हुआ, नदी में जा रहा है, नदी के अंदर मेरे ख्याल में जाने के लिए तैयारी कर रहा है। कि सामने मगरमच्छ है, ये मगरमच्छ का बच्चा लग रहा है, मगरमच्छ नहीं लग रहा है ना, है मगरमच्छ, मगरमच्छ ही है, नहीं मगरमच्छ ही है, बच्चा तो इसमें छोटा होगा, बच्चा छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। अच्छा ये मगरमच्छ है भाई, देख लें आप, अब चलते हैं आगे, देखते हैं और कौन से जानवर मौजूद हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। है परिंदे भी काफ़ी सारे मौजूद हैं यहाँ पर, जानवर भी काफ़ी सारे मौजूद हैं यहाँ पर, मुग़ल महल भी है यहाँ पर, मुग़ल महल ही सामने है, ये खुलने के औकात नहीं पता, अभी वहाँ लिखे हुए होंगे क्या है क्या नहीं है औकात। यह है मुग़ल महल, अब इसका ब्लॉग फिर किसी दिन कर लेंगे, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है, अभी बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी है। कराची चिड़ियाघर का ये है म्यूज़ियम, अब मैं सारे जानवर तो आप लोगों को वहाँ दिखा नहीं सका, तो कुछ यहाँ पर आपको दिखाया था, उनकी कुछ डमी वगैरह मौजूद हैं, उनको जो मर जाते हैं जानवर उनको मसाला वगैरह लगाकर और पता नहीं क्या लगाते हैं, उनको इस तरह की से उनकी डमी बनाकर रखी हुई होती है, तो वो आपको अंदर दिखाता हूँ मैं, उसके अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, ये है म्यूज़ियम, भाई म्यूज़ियम के अंदर काफ़ी सारे बंदर हैं। अच्छा ये बंदर यहाँ पर पहले मौजूद थे, ये मर गए हैं, इसलिए इन लोगों को यहाँ पे डमी लगाकर मतलब मसाला वगैरह लगाकर इन लोगों की यहाँ डमियाँ रखी हुई हैं। अच्छा ये भी यहाँ पर मौजूद थे सारे, रीच है, हिप्पो, ये क्या है, ये अफ्रीका का लायन है, मतलब अफ्रीकन शेर है ये, और ये फीमेल है, ये भी यहाँ मौजूद था, मर चुका है, डमी लगाई हुई है। अच्छा ये ऊँट हैं, ऊँट के बच्चे, हिरन, ये सारे जानवर जो है बताया गया है पहले यहाँ पर मौजूद थे। जंगली भेड़िया ये भी यहाँ मौजूद है, असली नहीं है, डमियाँ हैं, मसाला लगा कर इनको रखा गया है। तोते, परिंदे, कुछ परिंदे वगैरह, ये कॉकटेल कहलाता है आई थिंक, ये कॉकटेल है, बत्तख है, और ये भी कुछ जानवर यहाँ पर मौजूद हैं, और ये रहे कुछ जानवर, ये सारे यहाँ पर पहले मौजूद हुआ करते थे, जो कि अब इंतकाल फरमा चुके हैं, ये सारे जानवर यहाँ पर पहले मौजूद थे, तो ये सारे के सारे मर चुके हैं, इनको मसाला लगाकर इनकी डमियाँ बनाकर इनको यहाँ रखा गया। और भी काफ़ी सारे हैं, ये है, ये भी है, और कुछ जानवर ये हैं, ये आई थिंक ये कौन सा जानवर है यार, ये देखा भाला लग रहा है, पता नहीं कौन सा है, बब्बर शेर यार, इसको तो देख के डर लग रहा है ये अगर ओरिजिनल में इस तरह खड़ा हो तो कैसा लगेगा। अच्छा ये हाथी का सर, ये पहले यहाँ पर हाथी मौजूद था, जो कि इंतकाल फरमा गए, तो उनका सर यहाँ पर यादगार के तौर पर रखा गया है। ये हिरन्स हैं, कुछ हिरन जितने भी थे यहाँ पर, ये सारे इंतकाल फरमा चुके हैं, ये भी हैं, और कुछ जानवर ये हैं, ये बत्तख वगैरह हैं, ये शिकरमुर्ख हैं, ये भी बत्तख हैं, और कुछ तोते वगैरह हैं जो इंतकाल फरमा गए हैं। ये वाला रह गया था, ये भी ये दिखा दिया। अच्छा आप लोग सोच रहे हो कि भाई जो मर चुके हैं मैं उनको दिखा रहा हूँ, असल में टाइम कम रह गया, अंधेरा बहुत हो चुका है बाहर, तो जानवर जाके सो गए हैं सारे के सारे, तो ये वो जानवर हैं जो मर चुके हैं, लेकिन जिंदा जानवर इनसे भी कहीं ज़्यादा यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये थी उन जानवरों की डमी जो यहाँ पर पहले मौजूद थे, लेकिन अब इंतकाल कर चुके हैं, और उनको यहाँ पर म्यूज़ियम में रखा गया है। ये तो खैर पुराने जानवर थे, नए जानवर यहाँ पर बहुत सारे आ चुके हैं, हाथी भी आया है यहाँ पर, अभी नया नया आया है हाथी भी, तो काफ़ी सारे जानवर और भी मौजूद हैं, तो आप लोग यहाँ ज़रूर चक्कर लगाइएगा। अब मैं ब्लॉग को एंड करने लगा हूँ, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर एक और ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी, और अगर यहाँ पर आना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, लिंक पे क्लिक करेंगे लोकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, तो यहाँ ज़रूर आइएगा, बहुत सारे यहाँ पर नए जानवर आए हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर एक और ब्लॉग के साथ दोबारा मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।